भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के सियावर रामचंद की जय जय करने को लेकर भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमेंट्स किया है। रामेश्वर ने कहा कि श्री राम को काल्पनिक बताने वाले सियावर रामचंद की जय जय कार कर रहे हैं। वह समय भी करीब आ रहा है जब ये पाखंडी राधे राधे और जय श्री कृष्ण बोलेंगे। रामेश्वर ने राहुल गांधी का वीडियो भी ट्वीट किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि भगवान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। यह कहा राहुल ने तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा वो सियाराम जय सियाराम तो कह ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में कोई एक भी महिला नहीं है, तो वो जय सियाराम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो है ही नहीं। तो सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब यह बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पर मुझे कही, कैसी लगी आपको? आरएसएस भाजपा सियाराम जय सियाराम नहीं कह सकते क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है, बोले राहुल गांधी। और ये गहरी बात उन्हें एमपी के एक पंडित जी ने बताई। इस पर सोशल मीडिया पर उसने सवाल किया जा रहा है कि राहुल ये पंडित जी कौन है? हम जय सियाराम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है, तो वो जय सियाराम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.